नमस्कार मित्रों एवं मेरे प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 3.4 का सेकेंड का फोर्थ पार्ट कर रहे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डेली लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, बैंक वगैरह, और ये हम यूज़ करते हैं। आप लोग भी इससे परिचित होंगे जो प्रॉब्लम हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए क्या कह रहा है। मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000, यानी बैंक से उसने ₹2000 निकाले। सी आस्क द कैशियर टू गिव हर ₹50 and ₹100, यानी उसको किसी कार्यक्रम में या कहीं पैसा देना है तो उसको 50-50 के नोट और 100-100 के नोट चाहिए, सिर्फ 50 और 100 में नोट चाहिए। तो ₹2000 जो लिए वो 50 और 100 के रूप में लिए उसने, है ना। तो मीना गॉट 25 नोट्स, तो उसको कैशियर ने 25 नोट दिए जो कि 50 और 100 के मिल के थे दोनों। इन ऑल फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50, तो वो कह रहा है 50 रुपये वाले नोट कितने हैं उनमें, 25 नोट है टोटल, तो 50 के कितने नोट है उसमें और 100 के नोट कितने हैं, समझ में आया ना। तो दोनों मिला के ₹2000 होना चाहिए, है ना। तो अब इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, इसके आपके कंपटीशन एग्ज़ाम में भी इस टाइप से सवाल आएंगे, तो आपको निकालना क्या है। तो उसने कहा है फाइंड द हाउ मेनी नोट्स आप ₹50 के कितने नोट है, तो आपको मालूम है क्या नहीं है। तो एक्स नोट मान लिया ₹50 के, और ₹100 के कितने ये भी नहीं मालूम, तो वाई नोट मान लिया ₹100 के। तो हम इस सवाल को अब आगे हल कर रहे हैं, तो हमने क्या मान लिया है, 50 रुपये वाले एक्स नोटों की संख्या है और 100 रुपये वाले नोटों की संख्या क्या है बच्चों, वाई। तो फिर आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, टोटल नोट कितने हैं 25, तो इसका मतलब एक्स और वाई मिलके कितने हो गए 25। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स और वाई ये भी नोटों की संख्या है और ये भी 100 के नोटों की संख्या है, तो 50 और 100 के नोट मिला के टोटल नोट 25 है बच्चों, यानी 25 नोट है। तो ये इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास आ गई यहाँ पे, है ना। तो इसका हम आगे यूज़ करेंगे, तो ये इक्वेशन फर्स्ट आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मिल गई है। आगे फिर क्या कह रहा है, तो वो यूँ कह रहा है कि मीना वेंट टू अ बैंक विड्रा रुपीस, यानी टोटल रुपए कितने निकाले उसने 2000, तो 2000 नोट यानी 50 के नोट और 100 के नोट मिल के 2000 हुए। तो 50 के नोट कितने हैं एक्स, 100 के नोट कितने हैं वाई, तो 50 के नोट और 100 के नोट दोनों मिला के 2000 है। तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर लिखेंगे नाउ अगेन या आल्सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि 50 रुपये के नोट कितने हैं एक्स प्लस 100 रुपये के नोट कितने हैं वाई, ये दोनों नोटों के संख्या में इनका गुणा करेंगे तो टोटल रुपए मिलेंगे हमको 2000, ठीक है बच्चों। तो ये आपका यहाँ से इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका, कि इसको हम और अच्छे से लिख दे, तो ये हो गया 50x plus 100y = 2000। तो देखो इसमें 50 से डिवाइड हो सकता है, तो इक्वेशन हल करने में आसान रहेगी। तो हमने इसको क्या लिख देते हैं बच्चों यहाँ पर, कि डिवाइड बाय 50 बोथ द साइड, पूरे में 50 है, जिसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऐसे डिवाइड भी कर सकते हैं। तो 50 का यहाँ भाग दिया तो ये इक्वेशन हो गई एक्स, है ना, और यहाँ 50 का भाग दिया तो एक्स प्लस 2y, और 50 से इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, कि यहाँ से 50 का भाग दे रहे हैं हम, तो कितना आ जाएगा 5×20 यानी और 0×0 यानी 40 आ जाएगा बच्चों। तो एक्स प्लस 2y = 40 यानी ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई, ये इक्वेशन आपको सेकेंड मिल गई। अब फर्स्ट और सेकेंड को एलिमिनेशन मेथड से हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस एक्स और एक्स के कोफिशेंट इक्वल है, तो बस डायरेक्ट इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट को घटा लेते, फर्स्ट फ्रॉम
सेकेंड, तो सेकेंड में से फर्स्ट, तो सेकेंड इक्वेशन क्या है देखो, x प्लस टू वाई इजकल टू 40, और फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इजकल टू, आप किसी भी इक्वेशन को किसी में से सपरे, आपके ऊपर डिपेंड करता है और आंसर सेम आएंगे किसी भी प्रकार से करें। अब देखो ये है प्लस तो माइनस, ये है प्लस तो माइनस, ये है प्लस तो माइनस, अब ये इक्वल कोफिशेंट है तो ये कैंसिल हो गया आपका, ये टू वाई हो और ये माइनस का वाई है तो एक प्लस का वाई बचा, 40 में से 25 जाएंगे तो 15, तो वाई इजकल टू 15 आ गया आपका। तो अब क्या करा अगेन, है ना, ये फिर सब्स्टिट्यूटिंग, इसको कहाँ रख दिया, y इजकल टू 15 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई इजकल टू 25, तो x प्लस 15 इजकल टू 25, यानी y का वैल्यू आपने 15 रख दिया यहाँ पर, तो 25 माइनस 15 तो x इजकल टू 10। तो ये x और y क्या चीज़ था बच्चों, x और y आपके नोटों की संख्या थी, तो यानी x नोट तो 50 के, तो 50 के नोट कितने हैं, 10 हो गए आपके, और इस, और ये y जो थे 100 के नोट कितने हो गए, 15, तो टोटल आपका आंसर आ जाएगा इस प्रकार से, नोटों की संख्या क्या आ जाएगी, आप चाहे तो यहाँ लिख दीजिए हैंस, क्या लिख देंगे बच्चों, तो हैंस नंबर ऑफ रुपीस 50 नोट, नोटों की संख्या पूछ रहा है, नोट्स ये एक्स थे, तो एक्स कितना है 10, 50 रुपये के नोट है 10, एंड नंबर ऑफ रुपीस 100 नोट्स ये कितने हैं 15, तो ये रिक्वायर्ड आंसर हुए आपके। प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड का लास्ट फिफ्थ पार्ट ले रहे हैं, क्या कह रहा है, अ लीडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। इसका मतलब क्या है बच्चों कि कुछ शहरों या बड़े गांवों में क्या रहता है, एक पब्लिक लाइब्रेरी रहती है जहां से हम कुछ बुक्स ला के पढ़ने के लिए ला सकते हैं, घरों पे पढ़ सकते हैं, तो वो कह रहा है पहले 3 दिन का फिक्स्ड अमाउंट है, पहले दिन 3 दिन का फिक्स्ड अमाउंट, मतलब मान लीजिए कि पहले 3 दिन का वो 10 रुपया लेगा, फर्स्ट 3 डे, मान लो किसी ने 5 दिन के लिए बुक ली, कितने दिन के लिए, 5 डेज के लिए, तो पहले 3 दिन यानी 5 डे हो गया 3 प्लस 2, तो पहले 3 दिन का फिक्स अमाउंट है, तो फिक्स अमाउंट मान लो 10 रुपीज़ हो गया। अब डे आफ्टर क्या है, एडिशनल चार्ज, तो मान लो एडिशनल चार्ज मान लो वो 6 रुपया पर डे ले रहा है, कितना ले रहा है, 6 रुपीज़ पर डे, तो 5 दिन का क्या हो जाएगा, 5 को कैसे डिवाइड करेंगे, 3 डेज का तो फिक्स चार्ज 10 रुपीज़ हो गया, और 2 दिन का क्या लगेगा, 6 रुपये के हिसाब से, तो उसको कितना रुपया लग गया, 10 प्लस 12 यानी 22 रुपीज़ पेड करेगा। अब हमको इसमें दिया नहीं है कितना, तो 3 डेज का फिक्स चार्ज को हम एक्स मान लेंगे, पर डे को क्या मान लेंगे, वाई मान लेंगे, तो जो इस प्रकार से जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, 10 की जगह एक्स और 6 की जगह वाई, तो आपकी इक्वेशन हो जाएगी एक्स प्लस 2y, और कितना रुपया हुआ, 22 रुपया हुआ, तो आपकी इक्वेशन एक्स प्लस 2y इक्वल टू 22 हो जाएगी। तो यह क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, है ना, फर्स्ट 3 डेज एंड एडिशनल चार्ज फॉर द ईच डे आफ्टर। अब आगे देखिए, सरिता पे फॉर 27 फॉर अ बुक, यानी 27 रुपये लाइब्रेरी में पेड किए उसने, कीप्ट फॉर 7 डेज, 7 दिन के लिए बुक लाई,
तो 3 दिन का फिक्स चार्ज दिया और 4 दिन के लिए पर डे के हिसाब से पेमेंट किया तो उसको 27 रुपीज़ लगे। फिर सेकंड कंडीशन, वाइल शशि पेड ₹21 फॉर द बुक सी किप्ट फॉर 5 डे, इसने 5 डेज़ के लिए लिया, इसने 7 डेज़ के लिए, तो 5 डेज़ का कम पैसा लगेगा, तो 3 दिन का तो फिक्स लगा और 2 दिन का अमाउंट एक्स्ट्रा लगा उसको, तो ये ₹21 पेड किया उसने। तो फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तो हमने इसको यहाँ नोट करके अभी सवाल को हल कर रहे हैं। हमने फिक्स चार्ज मान लिया ₹X और पर डे एडिशनल चार्ज क्या मान लिया ₹Y। तो सरिता को ₹27 पेड करने पड़ रहे हैं, कितने दिनों के लिए, 7 डेज़ को। तो इस 7 डेज़ को हम कैसे डिवाइड करेंगे बच्चों, 7 को मैं ऐसे डिवाइड करूँगा, 3 डेज़ का तो फिक्स चार्ज है और 4 डे का एडिशनल चार्ज है। तो फिक्स चार्ज तो X है और एडिशनल चार्ज जो है वो है Y। तो ये 7, 3 और 4 में डिवाइड हो जाएगा बच्चों। तो क्या लिखेंगे इसको, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सो दिस इम्प्लाइज, है ना। तो यहाँ से हो जाएगा बच्चों कि 7 डेज़ है, तो 7 डेज़, 7 को मैंने 3 + 4 लिखा है, 3 डेज़ + 4 डेज़, ये याद रखने के लिए आपको। तो 3 डेज़ का तो फिक्स चार्ज है, तो 3 डेज़ का फिक्स चार्ज कितना है आपके पास, X। तो 3 दिन का तो ₹X लगेगा और 4 दिन का पर डे के हिसाब से लगेगा, तो पर डे का हिसाब से Y, तो X + 4Y लिखेंगे और टोटल अमाउंट पेड किया उसने 27। ये नंबर 1 इक्वेशन हो जाएगी। सिमिलरली इसी प्रकार से, है ना, सिमिलरली शशि जो है, शशि ने क्या पेड किया, पेड कितना रुपया, 21 फॉर द बुक, है ना, सी केप्ट फॉर कितने दिन के लिए, 5 डेज। तो 5 डेज को कैसे डिवाइड करेंगे, यहाँ जैसे 7 को 3 और 4 में डिवाइड किया था, तो 5 डेज को हम लिखेंगे 3 डेज + 2 डेज, है ना, ये आपको समझाने के लिए है ना। तो 3 डेज 2 डेज, तो 3 डेज का तो फिक्स चार्ज लगेगा, तो फिक्स चार्ज क्या है, X, और 2 डे का पर डे के हिसाब से, पर डे जो एडिशनल चार्ज है ₹Y है, कितना है बच्चों, Y, तो Y हो जाएगा। और कितना पेमेंट किया उसने, 21। तो ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। तो फर्स्ट और सेकेंड आपकी दोनों एक लीनियर इक्वेशन हो गई। एलिमिनेशन मेथड से हल कर लेते हैं हम। तो क्या कर दिया है ना, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 है X + 4Y = 27 बच्चों, और X + 2Y = 21 सेकेंड इक्वेशन। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं बच्चों, तो सेकेंड वाली इक्वेशन के साइन बदल जाएंगे, तो ये सारे प्लस है तो सारे माइनस हो गए, ये आपका कैंसिल हुआ, ये 4Y+ का ये 2Y, तो प्लस के 2Y बचेंगे, यहाँ कितने बचेंगे, 6, तो Y से डिवाइड कर दिया बच्चों, तो Y = क्या आ जाएगा बच्चों, 6/2, तो Y का वैल्यू 3 आ गया बच्चों, कितना आ गया Y का वैल्यू 3 आ गया है। तो ये Y का वैल्यू अब इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं हम, तो सो देयरफॉर इसलिए क्या हो जाएगा, है ना, सब्स्टिट्यूटिंग Y = 3 इन इक्वेशन सेकंड में रख देते हैं, इक्वेशन 2 किसी में भी रख सकते हैं। तो क्या है इक्वेशन सेकंड, क्या है बच्चों, सो देयरफॉर इक्वेशन सेकंड है X plus
2y = 21, ये इक्वेशन 2 है। तो यहाँ पर आप y का वैल्यू रख रहे हैं, तो x प्लस 2y की जगह कितना रखा, 3, 21। तो x + 6 = 21, तो x = 21 - 6, तो x = 15। तो आपके पास क्या आ गया, x = 15 और y = 3। सो रिक्वायर्ड आंसर क्या हो जाएंगे, सो देयरफॉर है ना, क्या क्या हुआ, फिक्स्ड चार्ज जो है हम क्या लिख देंगे, सो देयरफॉर फिक्स्ड जो चार्ज है ना, फिक्स्ड चार्ज है ना फॉर फर्स्ट 3 डेज, वो माना था एक्स और एक्स का माना आया 15, तो रुपीस लिख दीजिए 15 रुपीस। फिक्स चार्ज कितना आ गया, और एडिशनल चार्ज जो था एक्स है ना, चार्ज फॉर एक्स्ट्रा है ना, एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, ये है वाई। तो वाई का मान आ गया रुपीस कितना आ गया बच्चों, 3। तो 15 और 3, ये दो आपके रिक्वायर्ड आंसर हो गए बच्चों।